दोस्तों, महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है और महंगाई का बहुत ही सिंपल और सीधा सा अर्थ है समय के साथ साथ वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों का बढ़ते जाना। महंगाई का दूसरा मतलब ये भी है कि रुपए की कीमत में कमी आ जाना। यानी एक तरफ जहां महंगाई से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो दूसरी तरफ रुपए की कीमत कम हो जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में पेट्रोल की कीमत सन 2000 से पहले 25 से 30 रुपए लीटर हुआ करता था, लेकिन आज 2018 में पेट्रोल की कीमत है 75 से 80 रुपए लीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पेट्रोल के दाम 18 साल में 30 रुपए से सीधा 80 रुपए कैसे और क्यों हो गया, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि पेट्रोल की कीमतें महंगाई के कारण बढ़ती जा रही हैं। यानी आप इस बात को समझते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स में समय के साथ वस्तुओं और सामान की कीमतें बढ़ती हैं। तो चलिए, एक बात तो क्लियर है कि महंगाई के कारण समय के साथ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, जैसा पेट्रोल के भाव पिछले 18 साल में 25 रुपए से 80 रुपए तक हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो सन 2000 में जब पेट्रोल की कीमत 25 रुपए से 30 रुपए लीटर हुआ करता था, तब आप अपनी बाइक में 100 रुपए के नोट से 4 लीटर पेट्रोल भरा सकते थे। लेकिन आज उसी 100 रुपए के नोट से आपको बहुत मुश्किल से 1.25 लीटर पेट्रोल ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि सन 2000 में जो 100 रुपए की कीमत थी, आज उसकी कीमत काफी कम हो गई है। यानी अगर आपने सन 2000 के 100 रुपए के नोट को कहीं छुपा के रखा होगा, तो 100 रुपए का नोट तो आज भी 100 रुपए का नोट ही कहा जाएगा। लेकिन उस 100 रुपए के नोट से आप जितना सामान सन 2000 में खरीद सकते थे, उतना सामान आज नहीं खरीद सकते हैं। और इससे एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि महंगाई बढ़ने से रुपए में खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, महंगाई या इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही खास हिस्सा होता है, और इसलिए आज के इस टॉपिक में हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन और इसके प्रभाव और कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस महंगाई नाम के राक्षस या डायन से बचा जा सके। दोस्तों, जैसा हमने पेट्रोल के एग्जाम्पल में देखा, उस एग्जाम्पल को आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि महंगाई वास्तव में क्या कर रही है। आप महंगाई को सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि महंगाई दो काम कर रही है। एक तरफ जहां महंगाई ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ हमारे 100 रुपए की कीमत को कम कर दिया। और इसी कारण महंगाई को एक राक्षस या डायन कहा जाता है, जो जिंदा होने पर भी मारती है और मरे हुए को भी मारती है। और महंगाई एक ऐसी चीज है जिसे आप दो धारी तलवार भी कह सकते हैं, जो आपको दोनों तरफ से चोट पहुंचा सकती है। एक तरफ चीजों का दाम बढ़ाकर और दूसरी तरफ आपके जेब में पड़े पैसे की कीमत को कम करके। और इसी कारण आपके लिए महंगाई को सही तरह से समझना और महंगाई से लड़ने के लिए आपके पास पूरी तैयारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप महंगाई से लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस बात से महंगाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई आपको हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। दोस्तों, ध्यान दीजिए, महंगाई अपना काम करती जा रही है और समय के साथ महंगाई बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि महंगाई को कंट्रोल तरीके से बढ़ते रहना भी जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई काफी तेजी से बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में कीमतें बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं। लेकिन हर अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए नियंत्रित महंगाई का होना जरूरी है। दोस्तों, महंगाई यानी इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल कॉन्सेप्ट होता है, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन को आप बहुत हल्के में मत लीजिए। महंगाई को समझने की पूरी कोशिश करिए और महंगाई से जीतने की हमेशा तैयारी रखिए, क्योंकि अगर आप महंगाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी आप अपने निवेश पर महंगाई से ज्यादा लाभ नहीं कमा रहे हैं, तो आपको महंगाई काफी नुकसान दे सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण ही हम आज अपने माता पिता से अधिक सैलरी कमाने के बावजूद पैसों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आप इस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से महंगाई और उसके प्रभाव को अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी 1995 के आसपास 3000 रुपए की सैलरी कमाते थे, और आज मैं अपनी नौकरी की शुरुआत में 20000 रुपए कमा रहा हूं। तो सवाल ये है कि क्या मैं अपने पिताजी से, जो आज 20 साल पहले 3000 रुपए कमाते थे, उनसे ज्यादा कमा पा रहा हूँ या नहीं? तो इसका जवाब आप चाहे जो भी दें, लेकिन सच्चाई ये है कि भले ही ऊपर से देखने में ये समझ आता है कि पिताजी 3000 रुपए कमाते थे,
और मैं आज 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, यानी वैसे तो मैं अपने पिताजी से 7 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 25 साल में लगभग हर साल 8% से महंगाई बढ़ चुकी है, और इसलिए अगर मैं इसमें महंगाई के कारण जो पैसे की कीमत में कमी आई है उसे अपनी सैलरी की वास्तविक कीमत निकाल दूं, तो ये समझ आता है कि जो कीमत आज से 25 साल 3,000 रुपए की हुआ करती थी, बिल्कुल वही कीमत 8% महंगाई बढ़ने के कारण आज 20,000 रुपए की है। यानी वास्तव में पिताजी अगर 3,000 रुपए कमाते थे और आज मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो दोनों वास्तव में बराबर हैं। तो मेरी सैलरी सिर्फ महंगाई के कारण ही 3,000 रुपए से बढ़ते बढ़ते 20,000 रुपए तक पहुँच चुकी है। तो देखा आपने, ये है महंगाई का असर, और इस महंगाई को नहीं समझने से आज भी हम उतना ही कमा रहे हैं जितना हमारे पिताजी आज से 25 साल पहले कमाते थे। और शायद अब आप महंगाई को और इसके प्रभाव को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि वास्तव में महंगाई क्या कर सकती है, और वास्तव में अपने पिता से 7 गुना ज्यादा कमाने के बावजूद भी हम आर्थिक तंगी में क्यों रहते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा, महंगाई एक दो धारी तलवार है जो एक तरफ सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ाती है और दूसरी तरफ रुपए की कीमत को कम कर देती है, और इसलिए हमें इस महंगाई से निपटने के लिए कुछ जरूरी तैयारी जरूर करनी होगी, वरना महंगाई नाम का ये राक्षस हमारे सारे पैसों को खा जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि महंगाई से हम कैसे बचें या महंगाई के प्रभावों को कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों, महंगाई से निपटने का एक ही रास्ता है, आप जितने भी पैसे की बचत करते हैं उस पैसे को आपको एक ऐसी जगह पे निवेश करना होगा जहां आपको महंगाई से ज्यादा लाभ मिले। यानी अगर महंगाई 8% से बढ़ रही है तो आपको अपने बचत के पैसों पर कम से कम 8% लाभ तो कमाना ही पड़ेगा, ताकि आप अपने पैसे की कीमत को बढ़ती हुई महंगाई के बराबर ला सकें। इसके अलावा आपको अपने बचत के पैसे का निवेश ऐसे निवेश के विकल्पों में करना होगा जिसमें आपको महंगाई दर यानी 8% से ज्यादा का लाभ मिलता हो, ताकि आपके बचत का पैसा महंगाई की मार से बच सके और साथ ही आपका पैसा ज्यादा धन बना सके और आप वास्तव में अमीर बन सके। जैसे अगर आपको पता है कि भारत में महंगाई यानी इन्फ्लेशन की रेट 8% है और आपने अपना सारा पैसा बैंक में 8% के फिक्स डिपॉजिट से ही रखा है, तो इसका मतलब है आपका पैसा 9 साल में दोगुना हो जाएगा, लेकिन साथ ही महंगाई भी दोगुनी हो चुकी होगी, और इस कारण आज आपके बचत करने के बावजूद 9 साल बाद भी आप अपने पैसे से आप उतना ही खरीद पाएंगे जितना कि आज खरीद पा रहे हैं। और इसलिए आपको अपने बचत के निवेश को अलग अलग निवेश के विकल्पों में निवेश करने के लिए सोचना होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड में लमसम में निवेश, म्यूचुअल फंड के SIP में निवेश, या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश करके आपको अपने निवेश से मिलने वाले लाभ को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप अपने बचत के पैसे को महंगाई की मार से बचा सकें और महंगाई दर से ज्यादा लाभ कमा सकें। और ऐसे में अगर आपको निवेश, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में जरूर सीखना चाहिए, ताकि आप बेहतर निवेश करके अपने पैसे को महंगाई की मार से बचा सकें। आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के ऐसे ही काम की वीडियो लाते रहें, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि महंगाई क्या है और महंगाई कैसे आपको प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर महंगाई या इन्फ्लेशन को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।